साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी लिखने का अभ्यास करेंगे और साथ ही शब्दों में मात्राओं का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और उनका उच्चारण किस तरह होता है ये सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, शुरू करते हैं। हम सभी मात्राओं को लगाकर देखेंगे। इधर मात्राएं हैं ये आ से और अह तक, ठीक है। इन मात्राओं को हम शब्दों में इस्तेमाल करेंगे और उनका उच्चारण भी आपको बताएंगे, और जो शब्द कठिन होंगे उनके हम आपको अर्थ भी बताते चलेंगे साथ साथ में। तो हम पहला अक्षर आज का हमारा है ता, ता से शुरू करते हैं। तो यहाँ छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम बिना मात्रा का शब्द लिखते हैं। ता, ता खाली और ना खाली और या खाली, ठीक है। तनय, तनय माने पुत्र होता है, ठीक है। तनय जब हम खाली कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगी है। तो इसका मतलब यह समझना, जैसे कि ता खाली, ना खाली और या खाली। तनय, तनय माने पुत्र। अब ता पर बड़े की मात्रा है ये, ता पर बड़े की मात्रा ता और अड़ा, अड़ा ध्यान रहे डा नहीं अड़ा है, अड़ा के नीचे बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। ला खाली और ना, ना में बड़े आ की मात्रा ना। ताड़ना, ताड़ना माने होता है भाप लेना, यानी समझ लेना, बिना कहे ही समझ लेना, ताड़ना, ठीक है। अब ता में है छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा इस तरह होती है, इस तरह देखो ये लगी हुई है। ता में छोटी की मात्रा ती, और फिर माँ, माँ में भी छोटी की मात्रा मी और रा खाली, ठीक है। तिमिर, तिमिर माने अंधेरा होता है। और अब है ता में बड़ी की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, आधा छा छतरी वाला और अड़ा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने होता है तेज, तेज कहेंगे या तीव्र कह लें, तीखा कह लें, तीक्ष्ण माने, ठीक है, तीव्र। अब है तू, ता में छोटे ऊ की मात्रा तू और शा, सा में बड़े आ की मात्रा शा और रा खाली, तुषार। ध्यान से आप हमारे लिखने का तरीका भी देखते रहें, इसे आपको लिखने का भी अभ्यास होता रहेगा। किस तरह से शब्द और अक्षर लिखे जाते हैं यह भी आपको समझ होती रहेगी साथ साथ में, और शब्दों का ज्ञान भी होता रहेगा और मात्राओं का भी ज्ञान होता रहेगा। तो यह तुषार, तुषार कहते हैं पाला, पाला कह सकते हैं, पाला या बर्फ, ठीक है, तुषार। अब है ता, ता में बड़े ऊ की मात्रा तू, फिर ये ला, ला में छोटी की मात्रा ली, का में बड़े की मात्रा का, तुलिका। तुलिका माने होता है कूची, कूची रंग करने का ब्रश कह सकते हैं या कूची कह सकते हैं, पुताई करने की कूची और रंग करने का ब्रश, इसे कहते हैं तुलिका, ठीक है। अब ता में रे की मात्रा त्रि, ठीक है। त्रि से क्या शब्द हो गया, चलो त्रि आदशा और अड़ा, अड़ा पे बड़ा की मात्रा अड़ा। तृष्णा, तृष्णा माने प्यास या इच्छा, ठीक है। ता में ए की मात्रा ते, फिर जा खाली, आधा सा, वा, वा में बड़ी ई की मात्रा हुई, तेजस्वी। तेजस्वी माने चमकीला, चमकीला और कुछ, हाँ, प्रतापी यानी अच्छे काम करने वाला, प्रतापी और चमकीला भी होता है इसमें, तेज बने हैं, तेजवान, तेजस्वी, चमकीला, प्रतापी। अब तैराक, ता में है की मात्रा तय, रा में बड़ा की मात्रा रा, का खाली, तैराक। तैराक माने तैरने वाला, उसको सभी जानते हैं जो तैरने की कला जानता हो। अब ता में ओ की मात्रा तो, और या खाली,
ठीक है। तोय माने होता है जल, जल यानी पानी, जलने वाला जल नहीं, जल पानी, ठीक है। अब है ता, ता में औ की मात्रा, तो और ला खाली, तौल, तौल यानी कि वजन करना, वजन यानी तौल, ठीक है। अब ता में अंक की बिंदी, तन, और दा, दा में रा, और इसके आगे बढ़िया की मात्रा, तंद्रा। तंद्रा माने नींद नहीं कहेंगे, यानी ऊंघना, ऊंघाई, नींद से पहले की अवस्था, तंद्रा माने ऊंघाई, ऊंघ। अब तहा, तो ये आ और ता में आह की मात्रा, तहा, अतः, ठीक है। अतः माने होता है इसलिए। अब हम दूसरा अक्षर लेते हैं, दूसरा अक्षर कौन सा ले लें, दा। चलो ठीक है, दा लेते हैं, दा, यहाँ पे दा खाली कर दें, फिर दा में बड़े आ की मात्रा दा, फिर दा में छोटी की मात्रा दी, फिर दा में बड़ी की मात्रा दी, फिर दा में छोटों की मात्रा दू, फिर दा में बड़े की मात्रा दू, फिर दा में री की मात्रा दृ, फिर दा में ए की मात्रा दे, फिर दा में ए की मात्रा दे, फिर दा में ओ की मात्रा दो, फिर दा में औ की मात्रा दो, फिर दा में अंग की मात्रा दंग, फिर दा में आह की मात्रा, ठीक है, दा में आह की मात्रा दहा। आइए अब इससे संबंधित शब्द हम लिखते हैं। दा खाली यानी दा में छोटे आ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा कोई आकार नहीं होता है इसलिए खाली रहेगा, और शा खाली और का खाली, ठीक है। दशक, दशक माने 10 वर्ष का समय, ठीक है, दशक। अब दा, दा में बड़े की मात्रा दा, फिर माँ, माँ में छोटी की मात्रा मी, फिर ना, ना में बड़ी की मात्रा नी, दामिनी, ठीक है। दामिनी होता है, दामिनी माने बिजली, ठीक है। अब दा, दा में छोटी की मात्रा दी, और ला, ला में बड़े की मात्रा ला, शा, सा में बड़े आ की मात्रा शा, दिलाशा, दिलासा माने तसल्ली देना, सांत्वना देना, ठीक है, दिलासा माने आश्वासन। आप लोग ध्यान से देखते रहें किस तरह से हम लिख रहे हैं, लिखने का भी अभ्यास होता रहे, ठीक है। अब दा, दा में है बड़ी ई की मात्रा दी, फिर पा, पा में छोटी की मात्रा, और का में बड़े आ की मात्रा, दीपिका। दीपिका माने होता है दिया, दिया समझते हैं, दिया, चिराग, ठीक है, दीपिका माने चिराग। अब फिर दा, दा में छोटी की मात्रा दू, शा, शा में बड़े की मात्रा शा, ला, ला में बड़े की मात्रा ला, दुशाला। दुशाला माने होता है शाल, कह सकते हैं शाल, चादर ओढ़ने की, ठीक है। अब दा, दा में बड़ी की मात्रा दू, धा, धा में छोटी की मात्रा, और या में बड़िया की मात्रा या, दूधिया। दूधिया होता है, एक तो सफेद रंग को दूधिया कह देते हैं, ठीक है, और दूधिया है दूध की तरह है, ठीक है, वैसे दूध बेचने वाले को दूधिया कह देते हैं, और दूधिया दूध की तरह है, ठीक है। अब दा, दा में री की मात्रा, और फिर छोटी की मात्रा आधा सा, टा, टा में छोटी की मात्रा, दृष्टि, दृष्टि माने निगाह, ठीक है। वह दा, दा में एक मात्रा दे, वा खाली, ता में बड़े की मात्रा ता, देवता, देवता माने पवित्र आत्मा, देव, ठीक है। अब है दा,
एक माता दए, ना नामे छोटी की माता अन्नी और का खाली, दैनिक। ठीक है, दैनिक माने होता है रोजाना। अब है दो, दो दामे उपाय दो, आधा शाह और ता, दोस्त, दोस्त माने मित्र। अब दा, दामे औ की मात्रा दो, ला खाली और ता खाली, दौलत, दौलत माने धन या संपदा। ठीक है, अब दा, दामे अंक में दी दंग, गा खाली और ला खाली, दंगल, दंगल माने होता है कुश्ती, दंगल माने कुश्ती। ठीक है, अब दा, दामे आ की मात्रा दहा, इससे क्या शब्द हो सकता है, इससे कोई शब्द नहीं मिल रहा है। चलिए हम दुशासन लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं दुशासन, दु शा शन, दुशासन माने गलत तरीके से शासन करना। ठीक है, दुशासन। अब आगे अगला अक्षर हम लेते हैं, अगला अक्षर लेते हैं धा। ठीक है, अगला अक्षर लेते हैं धा, धा खाली। अब धा में बढ़िया की मात्रा धा, फिर धा में छोटी की मात्रा धी, फिर धा में बड़ी ई की मात्रा धी। ठीक है, फिर धा में यहाँ पे गोल गोल होता है, छोटी की मात्रा धू, फिर धा में बड़े की मात्रा धू, फिर धा में री की मात्रा धिर, धा में ए की मात्रा धे, फिर धा में ए की मात्रा धय। ठीक है, फिर धा में ओ की मात्रा धो, फिर धा में औ की मात्रा धाओ, फिर धा में अंग की मात्रा धंग, फिर धा में अहा की मात्रा धा। जो आइए, चलिए आइए, अब हम इन धा को, इन मात्राओं को शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। अभी तुमने अक्षर में इस्तेमाल किया, अब हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं इन मात्राओं का। अब धा, ध्यान से देखते रहिए किस तरह से हम लिख रहे हैं, लिखने का भी अभ्यास होता रहे। धा, ना नामे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा यानी कि बाईं ओर से लगती है, तो पहले इसकी मात्रा खींच लेते हैं लाइन एक, और का खाली, धा नामे छोटी की मात्रा नहीं अब का खाली, धनिक, धनिक माने होता है अमीर या धनवान, पैसे वाला। अब है धा, धा में बड़े की मात्रा धा, रा खाली, फिर अड़ा, अड़ा पे बड़े की मात्रा धारणा, धारणा माने होता है यानी कि विचार, ये पक्का विचार कहते हैं, धारणा बन गई, पक्का विचार, समझ। अब है धा, धा में छोटी की मात्रा धी, और आधा का, फिर पूरा का में बड़े की मात्रा का, रा खाली, धिक्कार, धिक्कार का मतलब होता है लानत, श्राप, यानी जो निंदा, किसी की निंदा की जाती है सच्ची, किसी ने गलत काम किया जाता है, उस काम को जब कहा जाता है तो उसे धिक्कार कहते हैं। ठीक है, धिक्कार माने लानत। अब है धा, धा में बड़ी की मात्रा धी, रा खाली और जा खाली, धीरज, धीरज माने होता है धैर्य, सब्र, वो तो आप लोग जानते होंगे, खैर धीरज तो बहुत आम शब्द है। अब है धा, धा में छोटी की मात्रा धू और ना खाली, धुन। ठीक है, धुन माने होता है लगन। अच्छा, धुन माने चीज और होती है, राग में जो गाया करते हैं कौन सी धुन बज रही है, तो राग भी होता है धुन, और धुन माने लगन भी होती है, कहते हैं अपनी धुन में लगा रहता है, तो धुन माने लगन। ठीक है, अब धा, धा में बड़े ऊ की मात्रा धू और माँ, माँ में छोटी की मात्रा और ला खाली, धूमिल, धूमिल माने
कहेंगे हम धुंधला, जैसे खूब स्पष्ट ना दिखाई देना, धुंधला, धूल भरा, ठीक है, धूमिल। अब हो गया धा, धमेरी की मात्रा धृ, आधा सा, टा खाली, ता, तामे बड़िया की मात्रा, धृष्टता, धृष्टता माने होता है उद्दंडता, निर्दयिता, यानी कि जो जिसके अंदर दया ना हो, धृष्टता, उद्दंडता, निर्लज्जता, ठीक है। अब है धा, धा में एक ही मात्रा धे, और ना, ना में छोटी की मात्रा धेन, ठीक है। धेन माने होता है गाय, गाय कहें या दूध देने वाली गाय कहें, ठीक है, धेन माने गाय होता है। अब है धा, धा में ए की मात्रा धैर्य, या में ऊपर राधा, ठीक है, धैर्य, धैर्य माने होता है धीरज, ठीक है। अब है धा, धा में ओ की मात्रा धो, ता में बड़ी की मात्रा ती, धोती, धोती साड़ी को भी धोती कहते हैं, जो औरतें पहनती हैं साड़ी, साड़ी को भी धोती कहते हैं, और धोती जेंट्स भी पहनते हैं, तहमल की जगह कमर में और कमर से पैरों तक तो ढकने वाला वस्त्र, उसे धोती कहते हैं, ठीक है। अब है धा, धा में अ की मात्रा धौ, और ला, ला में बड़िया की मात्रा ला, धौला, धौला माने होता है सफेद, धवल, ठीक है, सफेद या अत्यंत गोरापन, ठीक है, धौला। अब हम आते हैं धा, धा पे अंक बिंदी धन, और फिर धा, धा पे बढ़िया की मात्रा धंधा, धंधा माने व्यापार हो गया या कोई रोजगार हो गया, व्यापार ही कहेंगे, धंधा माने व्यापार। और अभी है धा, धा पे आ की मात्रा, इसे कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो यह क्या धा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही हिंदी में, हिंदी सीखने में आपको बहुत सहायक होगा ये वीडियो, और आपको बहुत समझ में आया होगा, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।